एक बहुत बड़ी बात है एंड आई एम गोना से दिस पर्सन इज गोइंग टू रूल अ न्यू प्लेस इन आईपीएल और इंडियन जो लिटिल बोर्ड है उनका जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। सिक्स के स्ट्राइक रेट के साथ जो बैटिंग का मुजाहरा किया गया मुझे लग रहा है वो वक्त दूर नहीं है जब विराट कोहली का भी जो है। मुझे बताया पांड्या की कप्तानी अच्छी थी कि संजू सैमसन की कप्तानी अच्छी? पांड्या तो फ्लॉप कर रहा है, पांड्या तो वैसे ही इंडिया को फ्लॉप कर। चौका छक्का चौका छक्का छक्का भाई ये ओवर हो रहा है क्या तुम्हारी गेम अकेली की नहीं चल रही तुम खुद दीवार के साथ प्लेयर है 18-20 साल के लड़के वो लेके आते हैं इतना ग्रूम उनका पता ही बड़े मैच में चलता है और आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया विकेटें ली हैं मैं कहता हूँ दिल्ली कैपिटल्स क्या कहेंगे आज के मैच के संजू सैमसन की कप्तानी पे और रियान की बात करेंगे सर रियान के छक्के चौके मारते जा रहे क्या कहेंगे उसके बारे में? आई एम गोना से दैट हार जीत जो है वो डेली की न्यूज है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन रियान का आज परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है एंड आई एम गोना से दिस पर्सन इज गोइंग टू रूल क्रिकेट इन कमिंग ईयर्स बिकॉज आज हमने उसमें पोटेंशियल देख लिया है कि उसमें क्रिकेट का कितना पोटेंशियल। जस्ट न्यूज द बिग न्यूज इज रियान आज एक डेब्यू प्लेयर ने 186.7 का स्ट्राइक रेट खेला और 84 रन की रिमार्केबल इनिंग खेली 45 बॉल्स उसने खेली है एंड उसने आज बताया है कि इंडिया का ग्राउंड टैलेंट असल में क्या है। मैं तो कहूँगी कि भाई ये लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को खिला रहे हैं बाकी लोग यहाँ पर सिर्फ अपना खुद अपना खेल बनाने आए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। आई एम गोना से फॉरेनर प्लेयर्स में कोई हाईलाइट नहीं हो रहा सिवाय इंडियन प्लेयर्स के। इंडियन प्लेयर्स इतने हाईलाइट हो रहे हैं न्यू टैलेंट की। कल हम अभिषेक शर्मा की बात करेंगे 17 साल का बच्चा उनका भी स्ट्राइक बहुत अच्छा था। आप बात कर रहे हैं आप शिवम दुबे की बात कर रहे हैं आप यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की बात कर रहे हैं आप ये क्या नाम है इसका रियान की बात कर रहे हैं रियान पराग की बात कर रहे हैं 22 साल के लड़के हैं वो बाबू को मारी जा रहे हैं और ऐसे मारे नोकिया आपको पता है कितना बड़ा टैलेंट है और उसने चौका चौका छक्का चौका चौका छक्का भाई ये ओवर हो रहा है क्या तुम्हारी गेम अकेली की नहीं चल रही तुम खुद दीवार के साथ नहीं खेल रहे हो किसी स्टैचू के साथ नहीं खेल रहे किसी बच्चे के साथ नहीं खेल रहे आगे तुम्हारे एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बैठा लास्ट में बताया लास्ट में जो अवेश खान ने बॉलिंग की है उसके हवाले से क्या कहेंगे पूरे बॉलिंग के हवाले से बात करें तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं आप बताएं। अल्लाह का शुक्र सर बात करने जा रहे हैं आर रॉयल राजस्थान वर्सेस दी इंडिया का मैच हुआ और जिस तरह आज उन्होंने परफॉर्म किया है सर रियान की बात करें रियान का 186 स्ट्राइक रेट 0.67 सर आउटस्टैंडिंग 80 स्कोर कर गए हैं सर इतना न्यू टैलेंट लेकर अगर हम बात करें अवेश खान की बॉलिंग की अवेश खान की बॉलिंग से आज जो कि रॉयल राजस्थान विन कर गया है सर देखें रियान का भी बड़ा रोल था राजस्थान को जिताने में लेकिन जिस तरह से अवेश खान ने एंड पे एक प्रेशर के अंदर उसने अपना टैलेंट शोकेस किया है जिस तरह से आज उसने जो है वो विक्ट्री जो है वो कंफर्म कर दी उनकी गोद में डाल दिया जीत रॉयल राजस्थान के और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और जिस तरह से टैलेंट हंट करके लेके आ रहे हैं और न्यू प्लेयर और जब भी प्लेयर वो आता है वो लगता ही नहीं है कि वो न्यू प्लेयर है 17-18-20 साल के लड़के वो लेके आते हैं इतना ग्रूम उनका पर्सनली वो इतने ग्रूम होते हैं और गेम भी उनकी ग्रूम होती है एक्सप्लोर किया होता है उन्होंने हर चीज़ को एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है फिर जब वो फील्ड में आकर परफॉर्म करते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। आज संजू सैमसन की जो कप्तानी हम देखें तो आज हमें ऋषभ पंत की कप्तानी तो आज फ्लॉप रही हमें अगर संजू सैमसन की देखें तो आज उनकी कप्तानी में उन्होंने मैच विन कर लिया और अगर हम बात करें सर उनकी ओवरऑल बैटिंग बॉलिंग की बात आउटस्टैंडिंग उनकी सर क्या कहेंगे सर न्यू लास्ट ओवर का है लास्ट ओवर में अपना उन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग किया कि एक उतने पटेल से 1-0 रिकॉर्ड उनसे छक्का चौका लग ही नहीं रहा था एंड पे। सर देखें ये कैप्टनसी वाली जो बात है ना वो हर दिन आपका दिन नहीं होता ठीक है और दूसरा आपकी टीम भी उसमें बड़ा मैटर करती है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को या जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको वो उस तरह से एग्जीक्यूट भी कर रही है कि नहीं और दूसरी बात बॉलिंग की अवेश खान की वो तो उसने कमाल ही कर दिया है कि आप लास्ट ओवर में इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दे दें बॉलिंग परफॉर्मेंस जहाँ पे जो है वो प्लेयर वो जो है ना वो भूखे शेरों की तरह बॉल को पड़ रहे होते हैं किसी भी तरह इसे उठा के बाउंड्री लाइन से पार फेंक दें लेकिन उसने डॉट्स बॉल की हैं सिंगल दिलवाए हैं और वो कमाल की परफॉर्मेंस थी अवेश खान की। इतना नोट कल हम बात करें कल अभिषेक शर्मा वो 63 उनका भी स्ट्राइक रेट 23 में 63 का उनका भी स्ट्राइक रेट आज हमें रियान मिल गया रियान पराग वो भी अच्छा सर इंडिया कहाँ से तो न्यू टैलेंट लेके आ रहा है सर आईपीएल के अंदर टैलेंट पे टैलेंट और वो बच्चे सर अब न्यू टैलेंट के बच्चे आगे 80-90 स्कोर मारे हैं और आगे वो जो सीनियर्स को मारे हैं सीनियर्स बॉलर को फेंटा लगा रहे हैं क्या कहेंगे सर अभिषेक शर्मा कल अच्छा परफॉर्म कर 63 उनका भी स्ट्राइक रेट प्लेयर ऑफ द मैच आज रियान प्लेयर ऑफ द मैच ले गया सर 186 का स्ट्राइक रेट मार दिया उन्होंने
सर देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है उनको थोड़ा वास्ट किया है और वो उस पर पैसे भी लगाते हैं, उनके लोग उन्होंने ऐसे प्रोफेशनल वहाँ पे बिठाए हुए हैं जो टैलेंट को टैलेंट की बेस पे ही हंट करते हैं, किसी की सिफारिश या पर्ची पे हंट नहीं हो रहा, टैलेंट की बेस पे ही हंट हो रहा है और वो उन लोगों को लेके आते हैं, ग्रूम करते हैं उनको, उनकी जो गेम्स में जो फ्लॉज होते हैं उनको वो ख़त्म करते हैं और फिर उनको जो है वो पूरी दुनिया के सामने जब वो प्रेजेंट करते हैं अपना जो एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया होता है उस पर मेहनत की होती है और जो प्रोडक्ट जो है जब वो परफॉर्म करता है उस तरह से उनको जो है आउटपुट देता है ना, तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड भी हैप्पी होता है, इंडियन जो टीम है वो भी हैप्पी होती है, इंडियन अवाम भी हैप्पी होती है और दुनिया जो है वर्ल्ड इज़ रियली यू नो बड़ा वो खुश होते हैं देख के, दुनिया वाले भी जो क्रिकेट लवर्स हैं पूरी दुनिया में फैंस हैं क्रिकेट के, कि इंडियन जो है परफॉर्मेंसेज इतनी टॉप क्लास दे रहे हैं हर मतलब क्रिकेट के अलावा भी, लेकिन क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट्स हैं, T20 है, ODI है, टेस्ट क्रिकेट है, वहाँ पे अमेजिंग परफॉर्मेंस है और जिस तरह मैं ये बात यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि जिस तरह से 10 कंसेक्यूटिव विन्स रही हैं इंडिया की इन वर्ल्ड कप, तो उसने बहुत बड़ा बूस्ट दिया है इंडियन टीम को भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी। तो आई विश यू गुड लक ऑल द न्यू प्लेयर्स इन IPL और इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उनका जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स है उसको मैं सल्यूट करता हूँ कि इतनी मेहनत से वो टैलेंट लेके आते हैं और वो फिर वो टैलेंट परफॉर्म भी करता है, तो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। ओके, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आज मैं रॉयल राजस्थान वर्ल्ड सीरीज छोड़ दें, जो परफॉर्मेंस आज दिखा दिया ना रियान ने, मैं कहता हूँ कमाल करके जो है वो रख दिया है, 180 के स्ट्राइक रेट, 186 के स्ट्राइक रेट के साथ जो बैटिंग का मुजाहरा किया गया, मुझे लग रहा है वो वक्त दूर नहीं है जब ये विराट कोहली का भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देगा, जितना आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ये वही सीरीज है जहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स निकलते हैं। IPL ऐसे ही नहीं मशहूर, किसी वजह से मशहूर है और आज रियान ने जो है वो करके साबित कर दिया। सर आज हम बात करेंगे अवेश खान की, अवेश खान एंड पर जो ओवर निकाल गए उसी बिना पे आज जो रॉयल राजस्थान विन हुई, अगर अवेश खान डॉट ना करते, बॉलिंग अगर मिस ना होती है, एक स्कोर ना तो डॉट ना, तो शायद मैच हार जाती, जिस तरह संजू सैमसन अपना मुजाहरा किया कप्तानी का और उन्होंने अवेश खान को एंड का ओवर दिया, अवेश खान ने उस ओवर को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, क्या कहेंगे सर उनके ओवर के हवाले? सर देखें, बड़े बॉलर का पता ही बड़े मैच में चलता है और आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, विकेटें ली हैं, मैं कहता हूँ कमाल करके रख दिया उन्होंने। सर अवेश, चले ये तो हो गए अवेश खान, अब आ गया अभिषेक शर्मा, आपने देखा कल सर अभिषेक 17 साल का बच्चा, उनका भी आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक, सर क्या हो रहा है IPL में, छक्के छक्कों की बारिश लगना शुरू हो गई, अब हम नजर नहीं आ रहा कोई छक्के मार रहा है कोई चौके मार रहा है, हमें छक्के चौके तो ऐसे नजर आ रहे हैं। देखें IPL नाम ही जो है ना वो नए टैलेंट के जाहिर होने का है और मैं समझता हूँ जिस तरीके से IPL में नया टैलेंट जाहिर होता है, ये एक मतलब हमें भी इससे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के जो प्रीमियर लीग होती है उसको भी उस लेवल तक लेके जाना चाहिए कि पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो नज़र आए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे वो जितना उधर एक मैच का बजट होता है, यहाँ पे पूरे टूर्नामेंट का उतना बजट होता है, मतलब आपका कहने का पूरा PSL और यहाँ की वहाँ की एक टीम इतना अच्छा। मुझे बताएं, हमने PSL भी देखा था सर, हमने आज तक PSL के अंदर इतना छक्के छक्के में नज़र नहीं आए और इस तरह हमारे को न्यू टैलेंट आए, इस तरह हमने जितना रिकॉर्ड्स बनाए हो या किसी ने स्ट्राइक रेट अच्छे किए हो, हमें अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आया हमारा PSL, हमने PSL में कोई अच्छा परफॉर्म, हमने IPL देखा, IPL में सर ये चीज़ें निकलनी शुरू हो गई, IPL में न्यू टैलेंट, सर क्या कहेंगे PSL तो हमें फ्लॉप नज़र ही आएगा, आया था जिस तरह हमने आज हम IPL को देख रहे हैं। सर PSL में तो लाइट ही नहीं आती थी तो क्या देखना, जिस मुल्क में लाइट ही ना हो उसमें क्या मैचेस वगैरह देखे जाएं, ये शुक्र है कि IPL के टाइम पे लाइट आ रही है, तो ज़रा ये है कि हम नए टैलेंट को देख रहे हैं और क्रिकेट जो है ना वो बड़ा लुत्फानंदोज कर रही है। इंटेंट का फ़र्क है क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं ना उनको कोई सही तरह श्योरिटी नहीं मिलती क्रिकेट खेलने के वास्ते, लेकिन जो इंडियन क्या वो सही तरह श्योरिटी देते हैं कि आप खेलें आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में अगर दो मैचेस में नाकाम हो जाए उसी टाइम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। मुझे बताएं जिस तरह हमने बात की सर, देखिए PSL में हमने लाया, PSL में अगर बात करें इतनी हाइप नहीं थी PSL की, अगर हम ये बात दूसरी बात करने जाएंगे सर कि इंडिया अपना न्यू से न्यू टैलेंट लेके आता है मगर हम टैलेंट को अपने लेके नहीं आते, क्या वजह लगती है सर? देख ले आज हमने रियान की बात की है, रियान भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 186 का स्ट्राइक रेट ले गया, 80 स्कोर करके, मुझे बताएं अभी तक कोई हमने देखा हो किसी हमारे बैट्समैन PSL के अंदर कोई इतना अच्छा परफॉर्म किया कोई न्यू टैलेंट ने किया हो, क्योंकि इसकी वजह इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है उसके पास वसाइल काफ़ी है, पाकिस्तान के पास वसाइल ही नहीं है, आप देख लें इतने लोग गरीब हैं उनके पास बैट लेने के पैसे नहीं है, फिर वो कहाँ से पाकिस्तान का टैलेंट उभरेगा? हाँ ये बात तो टैलेंट की, तो वो भी सच चला रहे हो, टैलेंट की कदर करते हैं, हम टैलेंट की कदर नहीं कर रहे, उनके पास पैसा है ना, वो पैसा वो बंदे खेचते अपने पास खेलते, आप आओ क्रिकेट खेलो, पाकिस्तान में किसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसके पास पैसे सिर्फ वही खेल सकता है और जो गरीब है वो क्या सकता है क्रिकेट खेलेगा, बैट आप देख लें कि 2-2.5 लाख का आता है जो बाबर आजम खेलता है, और अगर
एक आम बैट लेने जाएं वो 30 से 35 हज़ार का है। इसमें मैं बात करूँ रियान की बात करेंगे सर, रियान भी रियान पिटाक की बात करें सर, वो भी टैलेंट है उनके पास। हम कल अभिषेक शर्मा की बात करें, वो भी एक उनका टैलेंट है। मुझे सर ये बताएं टैलेंट की बात करें तो उनके पास टैलेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान की अगर बात करें, हमने टैलेंट की कदर नहीं करते, वो टैलेंट की कदर करते। देख रहे उनके आईपीएल से कितना टैलेंट आ गया इंटरनेशनल मैच, क्या कहेंगे सर टैलेंट का? आज रियान परफॉर्म करके, कल अभिषेक शर्मा करके, क्या कहेंगे टैलेंट के बारे में? रियान पिटाक और अभिषेक शर्मा, उसके अलावा जो भी इनके बैट्समैन जो अभी आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको प्रमोट करते हैं। मैं ये बात करूंगा कि अगर विराट कोहली पाकिस्तान में होता ना, तो विराट कोहली ने वो इतनी हाइप नहीं होनी थी विराट कोहली, यानी कि उन्होंने इतना ऊपर नहीं जाना था, पाकिस्तानी ने कदर नहीं करनी थी विराट कोहली। हां कदर नहीं कर। अच्छा मुझे अब ये मेरे ख्याल से मैच के पॉइंट को नहीं, लेकिन मैच के पॉइंट को नहीं मानूंगा, मैच के पॉइंट को नहीं मानूंगा विराट कोहली के। विराट कोहली पाकिस्तान में था तो उसकी बहुत हाइप होनी थी, जिस तरह बाबर आते हैं। नहीं देखे वो बात, उनकी बात ठीक है, क्योंकि इन टैलेंट की कदर नहीं ना हमारे मुल्क के अंदर, यही मसला है। टैलेंट की कदर है पाकिस्तान में, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो उसकी कदर है, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है आपकी कदर है पाकिस्तान में। अगर इंडिया में देखना, इंडिया में किसके पास टैलेंट काम भी है तो वो उसको देते हैं, वसाइल देते हैं, कह रहा आओ, उसको एक अच्छा प्लेयर बनाते हैं। पाकिस्तान में से अच्छा प्लेयर वही बन सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। सर मैं जायसवाल की बात करूँ, जायसवाल का पता आपने? जायसवाल भी खेले हैं। जायसवाल वो बच्चा है जो कि न्यू टेस्ट के अंदर उन्होंने डबल सेंचुरीज की है। आज जायसवाल भी चलो नहीं परफॉर्म, इंटरनेशनल मैच में परफॉर्म करे, देखे वो भी तो टैलेंट है। हम अगर यहाँ बात करें, हमारे अपने टैलेंट की कदर नहीं, वहाँ पर जायसवाल वो गरीब सा बंदा था, उनके वाले साहब वहाँ रेडी लगाते पानी पूरी की, ये सब। अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी टैलेंट हम ऊपर नहीं लेके आते। अगर आप आईपीएल में देखिए, आईपीएल में इतना न्यू टैलेंट आया है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। सर मुझे ये बताएं जायसवाल वाले साहब पानी पूरी लगाते हैं तो कहाँ पर चले गए? हमने अगर यहाँ बात करें, हमारे टैलेंट ज़ाया होते रहते हैं, इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी ये वजह कि वो पानी पूरी जैसे बेचता था वो, लेकिन उसने अपने टैलेंट, यानी कि उसका जो उनके रीजनल लेवल, जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल आया था, उन्होंने प्रमोट किया उसको। कदर है, लेकिन जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उसकी कदर है, लेकिन जिसके पास टैलेंट कम है उसको कोई खास मौका नहीं मिल पाता। अच्छा मैं बात करूंगा संजू सैमसन की और पांड्या की कप्तानी। मुझे बताया कल की कप्तानी के हवाले से और आज की कप्तानी, मुझे बताया पांड्या की कप्तानी अच्छी थी कि संजू सैमसन की कप्तानी? पांड्या तो फ्लॉप कर रहा है, पांड्या तो वैसे ही है, इंडिया को फ्लॉप कर रहा है, फ्लॉप कर रहा है। उससे अच्छा ऑप्शन रोहित शर्मा था, क्योंकि मैंने देखा पांड्या जो ना वो रोहित शर्मा की इंसल्ट भी कर रहा है, उसको कभी कहां भेज रहा है, कभी उसको कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा, वो इज्जत नहीं कर रहा है सीनियर्स की, इस तरह उसको करनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर।